हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में रिफ्रेश रेट को चेंज कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो हम बताने वाले हैं कि रिफ्रेश रेट को चेंज कैसे करें और कैसे अपने फ़ोन में रिफ्रेश रेट को बदल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि रिफ्रेश रेट चेंज कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे करेंगे और रिफ्रेश रेट को आप कैसे बदल सकते हैं। तो सिंपली आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को आप कैसे बदल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि रिफ्रेश रेट को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले कॉर्नर पर शो हो जाएगा, जहाँ से रिफ्रेश रेट को आप शो कर सकते हैं एंड आप रिफ्रेश रेट को शो भी कर पाएंगे। एंड आप इसको चेंज करना चाहें तो ऑफ़ कर देंगे तो रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले कॉर्नर पे शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से रिफ्रेश रेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, और आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन के डिस्प्ले सेटिंग्स में रिफ्रेश रेट सेटिंग शो हो रही है तो आप इसको यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को बदल सकते हैं सेटिंग्स पे जाकर। और सेटिंग शो हो रही है तो आप रिफ्रेश रेट को चेंज कर पाएंगे 60 या 90 में और स्विच भी आप रिफ्रेश रेट को कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।